हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जितेंद्र सिंह प्योपी डिज़ाइन। तो दोस्तों, आज जो आप ये वीडियो देख रहे हो, इसमें जिप्सम का फुल वर्क किया है हमने और पूरी छत बनाई है और साइड में पट्टे बनाए हैं और जो डिज़ाइन भी बनाएगा बीच में बनेगा वो दूसरी वीडियो में लाऊंगा मैं आपके लिए। दोस्तों ये देखिए, हमने पैरामीटर लगा दिए हैं और अब एल लगा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको पैरामीटर ठोक लेना है लेवल निकाल के, जितनी आपको छत अपनी नीचे रखनी है। उसके बाद पैरामीटर लगाने के बाद आपको ये पत्ती लगानी है जहाँ आपको मैन डाल लें। पूरी छत की फ्रेमिंग करके दिखाएंगे हम इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखते रहें। सबसे पहले हमें ये चार चैनल लगाने हैं इसमें पूरी छत कवर करने के लिए। पत्ती लगा दी है दोस्तों, अब ये खींच रही हैं, देखिए। पत्ती खींचने के बाद दोस्तों हमें ये पत्ती लेवल से काटनी है जहाँ हमारे मेन लगना है। ये देखिए दीवार पर जो हमने वो ठोक रखे हैं, इन पर हमें मेन टांगना है और ये पत्ती हमें सूंच से काट लेनी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। इसी प्रकार से सूंत बांध के और इन पत्तियों को बराबर काट लेना है सूंत के। तो दोस्तों जल्दी जल्दी हम पत्ती काट देंगे, आप देख सकते हैं। और पत्ती काटने के बाद सूंच से सभी पत्ती काट लेंगे और फिर उसके बाद हमें मेन लगाने हैं ये, जैसे आप देख सकते हैं। पत्ती हमने पहले ही काट दी है जैसे आपने वीडियो में देखा, और बस इन पत्तियों पे अब हम मेन लगा के पेच लगा देते हैं। सारे मेन ऐसे ही टांगने हैं हमें जल्दी जल्दी, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। थोड़ी स्पीड बढ़ा दी दोस्तों, हमें चार मेन लगाने हैं, ये पूरी छत कवर करनी है क्योंकि हमें, तो इसलिए ये मेन टांग रहे हैं हम, आप देख सकते हैं। काट ले थोड़ा सा। दोस्तों देखिए, मेन हमारे टंग चुके हैं और पेच भी हमने लगा दिए हैं। उसके बाद हम कराश लगाने हैं हमें, ये देखिए कराश। दोस्तों हमें जो है साइड का पट्टा भी इसी पे लटकाना है कराशों पे, तो हमें दो दो इंच बाहर निकालने हैं। ये हमारा पट्टा 1.5 फिट का है और ऊपर जो मेन साइड में लगे हुए हैं वो 1 फिट पर लगे हुए हैं, और 1 फिट से थोड़े थोड़े कराश बाहर निकाल दिए हमने, जो कि हमारा बोर्ड थोड़ा फालतू निकल जाए और जिससे कि हमें नीचे के पट्टे बनाने में आसानी हो। इसी प्रकार से आपको करास भर लें, और दोस्तों ये करास भरने हैं आपको नाप के, क्योंकि 6x4 का हमारा बोर्ड होता है। तो ये हमने एक साइड से करास भरे हैं, जो हमारा पूरा बोर्ड आएगा वो 6 फिट पे हमने रखा है, जो 6 फिट पे निशान होता है करास का आधा, उस पर हमने लगा दिया है। और अब ये बोर्ड कट रहा है, देखिए बोर्ड काटने के बाद हम इनको लगा के दिखाएंगे आपको। दोस्तों देखिए, बोर्ड हमारे लग चुके हैं और हम जो है अब नीचे की एल लगा रहे हैं, ऊपर की एल लगा रहे हैं नीचे को पट्टा बनाने के लिए। छत में जो एल लगाते हैं वो लगा रहे हैं, जिससे कि हम पट्टा हमें लटकाना अपना नीचे वाला, उसके लिए हमने सूंत पटक लिए हैं पहले 1 फिट पे जहाँ हमें अपना वो देना है, और उसके ऊपर हम एल लगा रहे हैं। एल लगा सकते हैं आप या पैरामीटर भी लगा सकते हैं छत में, हमने एल लगाई है। और एल लगाने के बाद हमें नीचे के खड़े पट्टे लगाने हैं, जो खड़े पट्टे बनते हैं सामने की टक्कर,
वो लगाएंगे। एल लग चुकी है हमारी ऊपर छत पर, यहाँ आप देख सकते हैं ये एल हमने लगा दी है ऊपर बोर्ड पर ही। और उसके बाद हमें नीचे के तख्ते लगाने हैं, आपको देख सकते हैं। हाइट जो है दोस्तों इसकी पट्टी की हमने 4 इंच रखी है, छत से नीचे 4 इंच पट्टा बनेगा हमारा और 2.5 इंच की कोप रहेगी। इस हिसाब से आपको खड़े पट्टे लगाने हैं जल्दी जल्दी। दोस्तों खड़े पट्टे हमारे लग के कम्प्लीट हो चुके हैं और अब हम जो है पट्टे के नीचे की धार पर, जो खड़ा पट्टा हमने अभी लगाया है उसके नीचे की धार पर हम पैरामीटर लगा रहे हैं, जो कि हम नीचे का जो बोर्ड लगाएंगे वो इसी में करास फांस के और बोर्ड खींच देंगे हम पट्टे के लिए। देख सकते हैं आप, इसी हिसाब से आप काम कर सकते हैं, जिप्सम का कोई खराब भारी काम नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमने पैरामीटर लगा दिया है नीचे की धार पर, और ये दीवार वाला पैरामीटर और ये पट्टे का पैरामीटर एक लेवल से लगते हैं। ये जितेंद्र पीओपी ठेकेदार हैं, ये हम रहा के रहने वाले हैं। ये जिप्सम बोर्ड और ये भाई जिप्सम बोर्ड, काट भी लिया ना, कट बोले क्या दोस्तों? ये करास भर रहे हैं हम नीचे, जो कि बोर्ड जो हमारा बीच में से लटके ना, इसकी सपोर्ट के लिए हम करास डाल रहे हैं अंदर पैरामीटर पर रख रहे हैं, उधर से भी और इधर से भी पैरामीटर पर रख के हम इसमें पेच लगा देंगे और उसके बाद हमें नीचे का बोर्ड खींचना है। वो आप देख सकते हैं वीडियो में किस प्रकार से खींचेंगे और कैसे कोप बनाएंगे, वीडियो को देखते रहें, पूरा पूरा समझ में आएगा दोस्तों। सीधे सीधे घर हो रहे हैं, बहुत गहने लगा रहे हैं। दोस्तों हमारे साइड के बोर्ड भी लग चुके हैं, पट्टे के बोर्ड हमारा फाइनल हो चुका है। उसके बाद हम टेपिंग करके इसकी टेप लगाने के बाद जोड़ों पे और इसकी रिपेयर करेंगे पूरी छत की, पहले ही कोप लगाने से पहले इनकी रिपेयर कर लें आप, वरना बाद में बहुत दिक्कत होती है रिपेयरिंग करने के लिए, क्योंकि हमारे खड़े पट्टे की फिर रिपेयरिंग नहीं हो पाती, इसलिए हम पहले ही इसकी रिपेयरिंग और पेचों के निशान बंद कर देते हैं रिपेयर करके। बिल्कुल क्लीन। रिपेयरिंग हो चुकी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और अब हमें जो है कोप लगानी है, तो कोप के ऊपर हम पहले क्या करेंगे दोस्तों, पैरामीटर लगाएंगे।
इन्हीं पट्टों पर हम पैरामीटर लगा देंगे इसी धार पर। दोस्तों हमारा पट्टा जो है 18 इंच का है, तो 17.5 पर हमने ये बोर्ड रखे हैं अपने जो लगाए हैं, और अब आधा इंच का हमारा बोर्ड होता तो वो पैरामीटर पर हम ऊपर से लगा के 18 इंच हमारा पट्टा कंप्लीट दिखाई देगा। इसी हिसाब से आपको पैरामीटर लगाना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं धार पर। चलो चारों साइड दोस्तों पैरामीटर लगाने के बाद हमको ये देखिए 2.5 इंच की कोप है हमारी, तो 2.5 इंच का हमने ये पट्टा काटा है, और उसके बाद हम कोप पर लगा रहे हैं। इस हिसाब से आपको लगाना है बराबर करके, और इसी हिसाब से लगा कर आपके छत और पट्टे कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका पार्ट 2 आएगा वीडियो का, जिसमें हम बीच का डिज़ाइन बना के दिखाएंगे गोलाई में, तो उसको भी पूरा देखना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर जो भी नया कोई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद दोस्तों। ठेकेदार लगा रहे हैं, ये लग गई देखो दो साइड की कप, don't hold it।